हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। आज पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे और लगे कि हमारी पढ़ाई इस चैनल पर अच्छे चल, तो आप वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को, यानी कि ऐसे वाक्य जिनके अंदर प्रश्न पूछा जाए। सेंटेंसों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब ये वाक्य दो तरह के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप, इसका पहला प्रकार वो होता है जिसके शुरू में क्या शब्द आए। जब सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है तो हम उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि हम जिस टेंस के सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो चाहे प्लुरल हो, दोनों ही कंडीशन में हम क्या के लिए हेड का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद टाइम। मैंने इनके बारे में डिटेल से इससे पहले वाली वीडियो में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस बता दिया है, आप उस वीडियो ज़रूर देख लें। सिंस जो लगता है वो निश्चित समय के लिए लगता है और फोर जो लगता है वो अनिश्चित समय के लिए लगता है, यानी कि जिसमें कोई नंबर आए जैसे चार घंटे, 5 महीने, 5 साल, तो ये सब के लिए 4 लगेंगे। और जो निश्चित समय है, जो फिक्स टाइम है हमारा, जैसे सुबह से, दोपहर से, 2 बजे से, 2 साल से, सॉरी 2001 से, जन्म से, तो इन सब में हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले, क्या वे 5 महीने से इस बारे में सोच रहे थे। जैसे इसमें आया 5 महीने, इसमें अंक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये 4 का यूज़ होगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम क्या के लिए लगाएंगे, हम हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारे पास दे, तो हैड दे। अगर मान लो ये इसमें नोट भी आता, मतलब नहीं भी पाया जाता, जैसे मैं कहूँ क्या वे 5 महीने इस बारे में नहीं सोच रहे थे, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ कर लेते हैं, हैड दे नोट, उसके बाद बीन लगाकर बाकी सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। तो हैड दे, उसके बाद बीन, हैड दे बीन, वर्ब क्या है इसमें, सोचना, तो हैड दे बीन थिंक, और थिंक में आएंगी, तो हैड दे बीन थिंकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस बारे में, तो हैड दे बीन थिंकिंग अबाउट दिस, हैड दे बीन थिंकिंग अबाउट दिस। उसके बाद सिंस या फोर, उसके बाद टाइम, तो टाइम है हमारा 5 महीने, जो कि एक एनसी टाइम है, इस वजह से हम इसमें 4 लगाएंगे, तो 4, 5 months, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस है, क्या वह यहाँ 2001 से रह रहा था। तो सबसे पहले क्या के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हैड ही, अगर इसमें नहीं पाया जाता सेंटेंस में तो हम ही के बाद नोट लगाए थे, यानी सब्जेक्ट के बाद, तो हैड ही बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब क्या है इसमें, रहना, तो हैड ही बीन लिविंग, LIVE लिव होता है, लेकिन जब ING लगाते हैं हम वर्ब में तो ई हटाकर ING लगा देते हैं, तो हैड ही बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यहाँ, तो हैड ही बीन लिविंग हेयर। उसके बाद समय क्या है, 2001 से, जो कि एक निश्चित टाइम है, निश्चित समय है, फिक्स टाइम है बिल्कुल, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, तो हैड ही बीन लिविंग सिंस 2000। सेकेंड टाइप है दोस्तों, सेकंड टाइप सेंटेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि वर्ड आए। इन सब शब्दों के लिए हम उनको शुरू में लिखाते हैं सेंटेंस में। तो जैसे इसके लिए रूल है सेकंड टाइप के लिए, तो बिल्कुल सिंपल सी पहचान है इसकी,
सेकेंड टाइप वे वाक्य होते हैं जिनके बीच में पेशवाइज शब्द क्या कब कहाँ कैसे आए, तो उसके लिए हम सबसे शुरू में यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड है इसमें देखो, जैसे सेंटेंस है वे वहाँ 2 घंटे से क्यों घूम रहे थे, तो सबसे पहले जिस वर्ड जिस शब्द की वजह से हमारे सेंटेंस में सवाल पूछा जाए होता है यानी पेशवाइज शब्द होता है। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, अगर क्यों नहीं होता इसमें तो सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता, वे वहाँ 2 घंटे से घूम रहे थे। तो जिस वर्ड की वजह से जिस शब्द की वजह से प्रश्न पूछा जाए वही हमारा पेशवाइज शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड होता है। तो सबसे पहले हम उसी का यूज करेंगे, तो क्यों के लिए हम लगाएंगे सबसे पहले वाई, उसके बाद हैड का यूज करेंगे हम, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें वे है तो वाई हैड दे। अगर इसमें नोट होता यानी कि नहीं होता वे वहाँ दो घंटे से क्यों नहीं घूम रहे थे, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ कर लेते। इसमें नोट नहीं है तो बस मैंने बता दिया है, सब्जेक्ट के बाद हम नोट का यूज़ करते हैं अगर नहीं, तो वाई हैड दे, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, वर्ब है इसमें घूमना, घूमने कहते हैं हम वॉक, तो वॉक में लगा देंगे हम आएंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें वहाँ, तो वाई हैड बीन वॉकिंग देयर, और उसके बाद समय क्या है इसमें 2 घंटे जो कि एक अनिश्चित टाइम है, तो 4 का यूज़ करेंगे मैं अनिश्चित के लिए, 4 2 आवर्स। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखते हैं, सेकंड सेंटेंस है हमारा मैं 2 सप्ताह से कैसे हंस रहा था, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है कैसे, क्योंकि इसी की वजह से क्वेश्चन बन रहा है, मैं 2 सप्ताह से हंस रहा था, अगर ये नहीं होता तो अफर्मेटिव बन जाता, तो इसी से हम सेंटेंस शुरुआत करेंगे, तो हाउ। उसके बाद तो क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद हमारा सारा रूल सिंपल जो कि हमारा फर्स्ट टाइप का रूल है वो ही रहेगा, तो हाउ हैड दे, हाउ हैड दे, उसके बाद बीन, सॉरी इसमें सब्जेक्ट मैं है तो हाउ हैड आई, आई का यूज़ करेंगे मैं के लिए, हाउ हैड आई बीन, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें हंसना, तो हाउ हैड आई बीन लाफ, उसमें आईएनजी लगा देंगे हम, तो हाउ हैड आई बीन लाफिंग। उसके बाद 2 सप्ताह क्या है हमारा, एक एनशिट टाइम है करेंगे, 4 2 वीक्स 2 सप्ताह, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और मैंने कुछ सेंटेंस दिए आपसे इनकी प्रैक्टिस करें और ऐसे ही सेंटेंस बनाएं। मिलते हैं के लिए, जय हिंद।